दोस्तों, फिलहाल मैं अभी कोलकाता में मौजूद हूँ और यहाँ पे कोलकाता में आने के बाद मेरा मकसद है यहाँ पे प्रोडक्ट की टेस्टिंग को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा टेस्टिंग के लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमेशा बता रहा हूँ इनोवेटिव चीज़ें, बने हुए रहिएगा आखिर आखिर वक्त तक। मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। रैपिडो ले चुका हूँ और जो प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग है उसको लेकर के मैं निकल चला हूँ। सबसे अच्छी और सस्ती सवारी है, कभी भी अगर आप महानगर में जाए तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हेलमेट ज़रूरी है दोस्तों। अभी फिलहाल मैं कोलकाता में मौजूद हूँ, प्रोडक्ट की टेस्टिंग को लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए मैं निकलने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने रैपिडो बाइक ले लिया है और बहुत ही अच्छी और सस्ती सवारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो जैम वगैरह जो लग जाता है कहीं कहीं, जो उससे आपको राहत दिलाएगा। पतली भी अगर गली है कहीं पे, तो बाइक के ज़रिए आप आसानी के साथ उसको पार कर सकते हैं, जाम की संभावनाएं बहुत ही कम रहती है। तो फोर व्हीलर से बेहतर होता है कि बाइक की जो है सवारी की जाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का ब्लॉग होने वाला है, आखिर वक्त तक आप बने हुए रहिएगा। देखिए किस तरीके से भाई साहब जो है कटा रहे हैं, दो फोर व्हीलर के बीच से इसको निकाल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं टाइम को जो है बचाता है, समय को जो है बचाता है, तो इसलिए फोर व्हीलर। दोस्तों फिलहाल मैं भी आपको मैंने बताया था पिछले दिनों की मैं प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए कोलकाता जाने वाला हूँ। मैं कोलकाता की टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट को लेकर के वार्तालाप हो गई है, बातें हो गई है। तो मैम है प्रज्ञा मैम, और ये समझिए कि ऑल इन वन कही या सर्वेसर्वा हैं उस डिपार्टमेंट की, और बिहार से मैं स्पेशली इनके लिए आया हूँ। और इन्होंने कहा है कि कितना समय लग जाएगा मैम? 10 दिन का वक्त लग जाएगा ये पूरे प्रोडक्ट को टेस्ट होने। तो क्या कुछ लग रहा है इस प्रोडक्ट को लेकर के आपको? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट निकले, और इसकी जो भी क्वालिटी है वो एकदम फूड ग्रेड के हिसाब से भी हो, और लोगों को इसको यूज़ करने में आसानी रहे। हाँ, और ये इनके लिए बहुत ही ईजी हो, एक्सेस करने में आसानी रहे, ये काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेबल भी होना चाहिए सबके लिए, से आप ह्यूमन यूज़ के लिए बोलो या तो फिर आप फॉडर ग्रेड के लिए बोलो, जो भी बोलो, सबके लिए ये काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आने में मुझे बड़ी परेशानी हुई, गिरते पड़ते लुढ़कते हुए आ गया हूँ। तो ये क्या क्या चीज़ों का टेस्ट रिपोर्ट आप देने वाली है इसमें? हम आपको क्योंकि ये अंदर की बात है, लेकिन चूंकि इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं इसलिए दर्शकों को बता देने में कोई इशू नहीं है। हाँ, तो इसमें आपका पहला इसका हैवी मेटल का चेक होगा, इसमें आपका इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी की चेक होगी, और इसमें आपका माइक्रोबायोलॉजिकल चेक होगा। ये तीन टेस्ट के बेसिस पे ही ये प्रोडक्ट आपका कितना क्वालिफाई करता है वो देखा जाएगा, और ये कितना यूजबल है वो भी इसमें से निकल जाएगा। तो देहाती कहावत है कि लिखतन के आगे बख्तन नहीं चलता है, तो डॉक्यूमेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स विद अ पॉजिटिव अप्रोच एंड आल्सो विद अ पॉजिटिव थिंकिंग कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट आपका बन के निकला है। ये दिखने में जितना अच्छा है इसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि चेहरा दिल का आईना होता है। हाँ। तो ऐसा ही कुछ है कि प्रोडक्ट को देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ। क्योंकि आप जो खाएं तो गलत हाँ। चीज़ें आपके अंदर ना जाए, तो उसके लिए हमारा अभी तो काफ़ी आपकी चारों तरफ बीमारियां लगी हुई रहती हैं, तो जो भी इसको कंज्यूम कर रहे हैं या तो फिर जो भी इसका यूज़ कर रहे हैं वो सेफ है, यही हमारा मेन टारगेट है। ये आपका भी वैसे ही टारगेट है। बिल्कुल हमारा दायित्व है। मैं स्पेशली प्रोडक्ट को लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं जब IIT ने कहा, IIT पटना ने मुझे कहा कि प्रोडक्ट की टेस्ट कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर आदमी खाए, हम लोग जो अननेसेसरी अभी जंक फूड या जो भी चीज़ें खा लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं और उसका रिजल्ट किस तरह की बीमारी लेकर के वो आता है, तो इन सब चीज़ों को उससे बचना ज़रूरी है। प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले उसकी सेफ्टी, उसकी क्या, उसका क्या प्रिकॉशन है या तो फिर क्या उसका पॉजिटिव साइड है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और देखिए, एक दो जिस चीज़ से आप बना रहे हो, मक्के के छिलके से, बिल्कुल ये आपका ना एक है कि ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट मटेरियल के हिसाब से मार्केट में अभी है, तो ये आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, ये आपका बिल्कुल एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। मक्के के छिलके काफ़ी ज़्यादा विच आर नॉट सो सेफ फॉर द एनवायरनमेंट, तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके एक गुड प्रोडक्ट बनाना यूनिक थिंग। चलिए, थैंक यू मैम, ने तारीफ कर दी है, और
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती है कि अच्छा लग रहा है कि आप चीज़ें जो है ज़मीन पे नज़र आएंगी। प्रोडक्ट मार्केट में ला देना, उससे भी बड़ी बात होती है कि प्रोडक्ट अच्छा लाना, कि लोगों को हार्म ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, खाने वाली चीज़ है आपके अंदर में कुछ अनायास चीज़ें ना जाए जिससे कि आप बीमार पड़ जाएँ। आपका लैब वगैरह दिखा सकते हैं? मैम नहीं दिखा सकते। तो मैम वो मैं कह रहा था कि लैब दिखा सकते तो मैम ने मना किया, ये थोड़ा सिक्रेसी वाली चीज़ है। तो बिल्कुल मैं इनकी बातें सर आँखों पर लैब तो नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों आपको, तो माइक्रो क्या कहते हैं किससे किसे टेस्ट करेंगे आप, क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टेस्ट? अच्छा माइक्रो, बिल्कुल। तो हैवी मेटल्स का भी। चलिए तो बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, विदा लेते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं अगली साइट पर, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी आपने देखा कि मैं वहाँ से निकल चला हूँ और जो प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग को लेकर के मैंने अभी जस्ट आपसे बात कही कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आप क्या खा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि पॉइजन ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने और बचाने के लिए मेरा टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और टेस्ट के बाद सर्टिफिकेशन भी मिलता है, और सर्टिफिकेशन के दम पर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है मेरा खाने योग्य है, उस प्रोडक्ट में आप खा सकते हैं। जैसे मैं बाहर निकला हूँ, यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई है रोड पे, सड़क से पानी आपको नज़र आ रहा होगा, और लेकिन मौसम जस्ट बारिश हुई, इसके बाद जस्ट धूप मुझे लग रहा है कि हो गया है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोडक्ट का कितना स्ट्रेंथ है, और प्रोडक्ट में पानी में रखने के बाद वो कितना देर में वो फुली तौर पर डिकम्पोज हो जाता है, या मिट्टी में रखने के बाद कितने दिनों के अंदर वो डिकम्पोज हो जाता है, या फिर कोई भी मटेरियल हम उसको रखते हैं कितने दिनों तक बेहतर रह सकता है। तमाम चीज़ों की जानकारी इस टेस्ट के माध्यम से होगी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, मज़ेदार होगी। दोस्तों फ़िलहाल मैं अब चल दिया हूँ दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ बने हुए रहिएगा, मज़ा आएगा। आज का ब्लॉग डेफिनेटली हमारे लिए भी बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, बने हुए रहिएगा दोस्त। तो कोलकाता में जब मैं जा रहा था, एक रास्ते में गुजर रहा था, मैंने देखा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ बनी हुई है बैठने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कि लकड़ी का बना हुआ है और लकड़ी को तराश तराश कर इसको बनाया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी लकड़ी का नहीं है। और मैं आपको बता दूं क्लोज करके, ये जो है बना हुआ है सीमेंट बालू के ज़रिए बनाया गया है, और अच्छी ज़बरदस्त कारीगरी यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट के माध्यम से अच्छा रोल प्ले किया गया। ऐसा लग रहा है कि लकड़ी का पेड़ को काट कर तराश तराश कर इसको बनाया गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैं सोचा चलिए मैं आपको भी दिखाता था। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं भी आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया टूरिस्ट मॉल, आ गया कि घूमा जाए थोड़ा, कुछ चीज़ें लेनी थी तो यहाँ पे तो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए, तो चलिए हम सोचा चलिए घूम लिया जाए, नहीं कुछ तो कम से कम घूम लिया हूँ, और काफ़ी बेहतरीन है। आपको भी पसंद आएगा वीडियो के आखिर आखिर वक्त का बने बढ़िएगा। कहा जाता है कि इस कोलकाता का जो सबसे बड़ा जो है मॉल है वो क्विस्ट मॉल ही अभी तक का एक डेटा के हिसाब से है। फिलहाल ये रहा क्विस्ट मॉल और मैं अभी बाहर निकल गया हूँ, लेकिन बाहर में क्या मैं देख रहा हूँ कि बारिश हो रही है, और लेकिन बारिश का मज़ा तो लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन बारिश से बचता कर फ़िलहाल मैं भी आ गया हूँ, और ऊपर में शेड है जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। नो डाउट एक नेचुरल जो है ब्यूटी यहाँ पर मुझे देख करके लग रहा है, जो कि काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर की एक दो चीज़ें मुझे ये अच्छी लगी कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो पीछे देख रहे हैं, ऊपर में देख रहे हैं मदर टेरेसा को जो है बनाया गया है, जो मतलब पत्थर को तराश तराश कर, पत्थर को काट काट कर इस तरह काम को अंजाम दिया गया है, फुल्ली पत्थर का बना हुआ है, स्टोन का बना हुआ है, जो मुझे इंटरनली बड़ी खुशी होती है, क्योंकि 100% मैन मेड है और नेचुरल है। तो नेचुरल ब्यूटी, आई लव नेचुरल ब्यूटी, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग अगर नेचर की जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों नेचर में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है, बस ज़रूरत है आपको नज़रिया, उस तरह के नज़रिए रखने की, उस तरह की जो है आपकी नज़र होनी चाहिए। तो काफ़ी बेहतरीन लगा दोस्तों ये रहा, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। अभी देखिए आगे क्या कुछ होता है, अभी वक्त है, देखते हैं क्या कुछ हो पा रहा है।